May God spare even enemies' children from this disease. I'm not able to save the children. I do not want to live anymore. This is what Sanjeev Mishra wrote on his Facebook. 4 days later, he was dead. Sanjeev Mishra committed suicide with his entire family, his wife Neelam and his sons 13-year-old Anmol and 7-year-old Sarthak. Both the children were suffering from muscular dystrophy, an incurable genetic disorder which was the cause of stress and pain for the entire family. Sanjeev was unable to see his children suffer, and the police say this led to the couple's suicide in Madhya Pradesh, Vidisha. उन्होंने फेसबुक में लिखा है जो उसके मुताबिक उनके बच्चे को बीमारी थी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी करके एक लाइलाज बीमारी है उससे दुखी होकर के इन लोगों ने पॉइजन इनहेल किया है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज अ डिजीज दैट अफ्लिक्ट्स द मसल्स लीडिंग टू अ डिटीरियोरेशन इन द मसल्स इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर एंड इन दिस केस इट हैड ट्रेजिकली अफेक्टेड बोथ ऑफ मिश्रा'स सन्स आज अचानक अभी शाम को जानकारी मिली कि शायद पॉइजन खा लिया था जिसके कारण बच्चों की मौत पहले हो गई थी अभी संजीव मिश्रा जी की शांत होने की जानकारी मिली है जो बहुत ही अत्यंत दुखद घटना संजीव मिश्रा वाज एन एक्स म्युनिसिपल काउंसिलर फ्रॉम बीजेपी एंड ऑपरेटेड अ रेस्टोरेंट जनता भोजनालय इन विदिशा विद नवेद अनुराग द्वारी फॉर एनडीटीवी